तो हे व्हाट्सअप गाइस, तो आ चुके हैं फिर से एक और नई वीडियो लेके। तो आज मैं आया हूँ आपका NSP। तो NSP में मुझे ये छोटी सी वैन दिखी जहाँ पे ये भैया बेच रहे हैं हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। तो माना जाता है कि NSP में सबसे ज़्यादा जो फेमस है यहाँ पे तो ये भैया हैं। तो ये वैन के अंदर अपनी कॉफ़ी और चार पाँच तरह की कॉफ़ी होती है, तो कॉफ़ी ये सेल करते हैं। तो एक बार चलते हैं और भैया से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कॉफ़ी में वैरायटी रखते हैं और क्या इनके प्राइस। सबसे पहले भैया ये बताओ आपका नाम क्या होगा? भैया मेरा नाम है रोहित छाबड़ा। अच्छा, आप कितने टाइम से काम कर रहे हो ये बताओ? भैया मेरे को हो गए करीबन 3 महीने वाला काम करते हुए। 3 महीने हो गए। तो मुझे बताओ कि बेसिकली कि ये शुरुआत आपने कैसे की वैन के अंदर जो कॉफी वगैरह, मतलब कि माइंड में आपके कैसे आया कि हाँ वैन के ऊपर ये काम करना था? तो कर लिया बस, थोड़ा दिमाग लगा के अपना। अच्छा, तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम हुई थी काम जब स्टार्ट करा आपने? तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, बट हाँ थोड़ी बहुत जो थी दिक्कत है वो तो सभी को ही आती है, वो मेरे को भी आई थी दिक्कत है और मैंने फेस कर लिया उसको। अच्छा, तो इस टाइम में फिलहाल में आपने जो प्राइस है, प्राइस क्या कर रखी है अपनी? कोल्ड कॉफी का प्राइस है 50 रुपीज और हॉट कॉफी का प्राइस है 40, और हॉट कॉफी छोटी जो है वो 25 रुपीज। अच्छा, और इसके अलावा कितने तरह की वैरायटी रखते हो कॉफी में आप? कॉफी की 6 टाइप की वैरायटीज है, डार्क चॉकलेट है, क्रीम कैरेमल है, बटर स्कॉच है, आयरिश हेज़लनट है। ओ, एक बार मेन्यू दिखाओगे आप अपना? ये देखो, तो जैसे कि देख सकते हो 5-6 तरह की वैरायटी होती है। और भैया आप मुझे ना हॉट कॉफ़ी पिला दो, बढ़िया से बना के पिला दो। तो आपको मैं दिखा देता हूँ हॉट कॉफ़ी का प्रोसेस जो होता है, कैसे बनते कैसे नहीं बनती। तो ये सबसे पहले इन्होंने मिल्क डाला है। तो भैया ये नॉर्मली जो मिल्क यूज़ करते हैं अमूल का यूज़ करते हो या फुल क्रीम? फुल क्रीम अमूल का। और बाकी जो अपनी कॉफ़ी वगैरह होती है ये ब्रांडेड यूज़ करते हो या? ब्रांडेड कॉफ़ी ही यूज़ होती है। हाँ, तो जैसे कि देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा सामान जो है भैया ब्रांडेड यूज़ करते हैं और बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये आ गई है इनकी कॉफ़ी। तो ये इनकी कॉफ़ी आ चुकी है। और साथ में ये क्या चीज़ है भैया? शुगर चीनी शुगर। तो ये आ गई है आपकी शुगर चीनी। और ये वाटर ऐड कर रहे हो पानी? हाँ जी। तो ये थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं भैया। और साथ में अपना आ रहा गैस पे आराम से धीमी आंच पे, ये दूध धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है। तो बाकी ये मिक्सिंग करी जा रही है अभी ये कॉफ़ी को अच्छी तरह से मिक्स करके। तो बाकी जो कोल्ड कॉफ़ी मांगता है तो उसके लिए मिक्सी रख रखी है आपने इसके अंदर आइस वगैरह करने के लिए। तो जैसे कि देख पा रहे हो यार काफ़ी अच्छा इनका कॉन्सेप्ट लगा, वैन पे लगाते हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग है और काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। और पूरे NSP के अंदर जितने भी NSP में मार्केट है, MNSP में जितने भी लोग हैं, सारे के सारे इनके पास आते हैं और इनकी कॉफ़ी को ना इन्जॉय करते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कौन सी बिकने वाली होती है, तो ये कोल्ड कॉफ़ी इनकी बताई जा रही है। कोल्ड कॉफ़ी ना सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड में चलती है। तो अगर आप भी नियर बाई NSP के या कहीं भी आप रहते हो नियर बाई में, तो एक बार आके ना ट्राई ज़रूर करना। लोकेशन जो होगी मैं आपको ना पिंग कर दूँगा कमेंट के अंदर। हाँ जी, हाँ हाँ। तो फाइनली ये जो हॉट कॉफ़ी है वो तैयार हो चुकी है और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, गाढ़ी है। और कैपेचिनो मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह में कॉफ़ी पी है, तो रेस्टोरेंट से ना कम भी नहीं है। काफ़ी अच्छा उसके अंदर कलर भी आया है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी ये है, देखते हैं पी के देखते हैं कि इसके अंदर टेस्ट है वो टेस्ट कैसा मिलता है। तो भैया जो आपने कॉफ़ी लगाई है इसका प्राइस कितना रहेगा अपना? भैया बड़ी वाली का 40 है, छोटी वाली का 25 है। छोटी वाली का 25 है जी। तो उसमें से बड़ी और छोटी कौन सी है? बड़ी वाली ये वाली है, छोटी वाली ये वाली है। तो आपने मेरे लिए कौन सी लगवाई है ये बताओ? आप जो बोलो आपके लिए वो लग जाएगी, जो आप पिलाओगे वो मैं पी लूँगा। तो कॉफ़ी फाइनली अपनी तैयार हो चुकी है। तो ये तो पैकिंग का हो गया, ये किसी और का होगा। तो अपने यहाँ पे फाइनली कॉफ़ी तैयार हो गई है। तो मैं एक बार ना कॉफ़ी को टेस्ट करके बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा है।
तो भैया कॉफ़ी तो आपकी पी ली और कॉफ़ी का टेस्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाजवाब मुझे टेस्ट लगा। तो एक बार ना अपने ना लोकेशन मुझे बता दो, मतलब एग्जैक्टली आपकी साइड लोकेशन मेरी पड़ती है NSP में बीकानेर के सामने एग्जैक्टली, और एक्सपोज लॉन्च है यहाँ पे उसके सामने। और अगर टावर चाहिए हो तो टावर है GDITL टावर, उसके एकदम एग्जैक्टली नीचे खड़ा होता हूँ मैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रोटेट करके भी दिखा देता हूँ। तो थोड़ी सी ये बिल्डिंग है, तो इससे अंदाज़ा लगा लेना, और बाकी जो लोकेशन एग्जैक्टली होगी वो मैं कमेंट के अंदर पिंक कर दूँगा।